खाद की कालाबाजारी करने वाले मैसर्स चौधरी महेश खाद बीज भंडार को किया गया सील। वीरवार को छाता कस्बे के बाजार में स्थित चौधरी खाद बीज भंडार पर जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल, जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार एवं एसडीएम छाता कमलेश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं दुकान पर खामियां मिलने की वजह से उसे सीज भी कर दिया गया। वहीं जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि आज विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। वहीं छाता कस्बे में चौधरी खाद बीज भंडार का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि 63 बैग डीएपी बेच दिए गए हैं, जो कि इनके पोस मशीन में उपलब्ध है, और इन्होंने ग्रोमो और एनपीके 100 बैग इन्होंने लिए थे, जिनमें से 62 बैग बेच दिया गया है। यहां पर केवल 38 बैग हैं जिनको पोस मशीन में चढ़ाया ही नहीं गया। नियमानुसार पहले पोस मशीन में चढ़ाते, उसके बाद बिक्री करते। अगर इनकी पोस मशीन खराब थी तो इन्हें जिला कृषि अधिकारी कार्यालय बताना चाहिए था। इनके पास कैश मेमो, सेल रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं मिले, इसलिए इनके खिलाफ 3/7 में कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज निरीक्षण किया गया कई खाद बीज दुकानों का। एक दो हम लोग गांव में देखे हैं, उसके पश्चात हम लोग यहां पे आए। यहां पे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और यहां पे उपजिलाधिकारी महोदय थे, मैं जिला कृषि अधिकारी, यहाँ पर तीनों लोग इस चौधरी खाद बीज भंडार का निरीक्षण किया। तो यहाँ पे पाया गया कि इनके द्वारा 63 बैग डीएपी बेच दिया गया है, जो कि इनके पॉस मशीन में उपलब्ध है, और इन्होंने ग्रोमोर एनपीके 100 बैग इन्होंने लिया था, उसमें से इन्होंने 62 बैग बेच दिया, और यहाँ पे मात्र 38 बैग है जो कि इन्होंने अपने पॉस मशीन में उसको चढ़ाया ही नहीं। नियमानुसार इनको सबसे पहले अपने पॉस मशीन में उस बैग को चढ़ाना चाहिए था, उसके पश्चात उसकी बिक्री करते। दूसरा, अगर इनका पॉस मशीन ठीक नहीं था तो उसको हमारे जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को अवगत कराते। साथ ही इनके पास कोई भी स्टॉक रजिस्टर, कैश मीमो और सेल रजिस्टर नहीं पाया गया, इसलिए इनके विरुद्ध 3/7 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले NH2 हाईवे पर एक दुकान चेक की थी, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो जिलाधिकारी, हाँ, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने SPO साहब को पत्र लिखा है। SPO साहब ने जिलाधिकारी महोदय के लिए एक पत्र लिखा कि इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का सत्यापित प्रति हमारे समक्ष उपलब्ध कराया जाए। उसको आज हमने SPO महोदय के द्वारा के समक्ष FCO के सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी है। उसमें जो भी अग्री कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, जैसे कि छाता में अभी काफी दुकानें, सब दुकानों पर यही ब्लैक से खाद बेचा जा रहा है, इसके बारे में अगर हमें कोई भी कहीं से भी साक्ष्य, में उस दिन भी बोला था कि अगर मुझे साक्ष्य मिलेगा, अगर मैं कार्रवाई नहीं करता हूं तो आप लोग बताइए कि कार्रवाई नहीं किया गया। कृषि विभाग इसमें पीछे चल रहा है, कहीं भी आप लोग शिकायत देंगे वहाँ पे हमारी टीम आएगी।